मायरा का हेयर स्टाइल दिखा दो। और अब ये मायरा का जो ऑयल था ना, मैं लाई थी कश्मीर से, ये एकदम रियल आमंड ऑयल है, ख़त्म भी हो रहा है, थोड़ा सा ही बचा है। मैं सोच रही हूँ बिलाल भैया को बोल दूँ, कहते हैं हम डिलीवरी करवा देंगे। तो अभी सबसे पहले मायरा की ऑयलिंग हो रही है, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मायरा का हेयर स्टाइल, बिकॉज आप हमेशा बोलते हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे सेसी व्लॉग्स। बड़े दिनों के बाद आज मैं व्लॉग कर रही हूँ, बिकॉज मूड ठीक है, दिल ठीक है, तो मैं सोचा चलो व्लॉग करते हैं। और अभी आज संडे है, तो दीपू, मैं, तमन्ना, मायरा, हम लोग जा रहे हैं मायरा को लेकर किड्स एरिया, मतलब वहाँ पे ऐसे थोड़ी एक्टिविटीज़ हैं, राइड्स वगैरह हैं, वहाँ ले जा रही हूँ। तो दिखाती हूँ आपको क्या है बेसिकली वहाँ पर, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। पहले हम रेडी हो जाते हैं और चलो मायरा का हेयर स्टाइल देखो जब तक आप लोग। तो जो आज मैं आप लोगों के साथ हेयर स्टाइल शेयर कर रही हूँ, ये वाला मेरा फेवरेट है, मतलब फेवरेट मतलब इसमें एक तो मायरा के मुंह पर ये आप बेबी हेयर देख रहे हो ना छोटे छोटे, ये नहीं आते हैं बिल्कुल भी उसके फेस पर, तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये खुलता भी नहीं है, बहुत देर तक भी टिका रहता है, और इसमें मायरा क्यूट भी लगती है। सो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेंटर पार्टिंग करेंगे, यहाँ से लेकर पूरा पीछे तक एक पार्ट करना है अपने सेंटर पार्ट, जैसे अभी तमन्ना कर रही है। और एक साइड आपने बालों में रबर बैंड लगा देनी है, क्योंकि फिर मिक्स हो जाते हैं बाल। जब तक हम एक साइड के बाल की ब्रेड करेंगे, एक साइड को हमने बांध दिया है, ऐसा लग रहा है मेरा कोई हेयर स्टाइलिंग का चैनल है। बट अगर शेयर कर रही हूँ तो प्रॉपर करूँ ना, फिर आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, मायरा अभी नहीं देना बेटा मेरे को, ठीक है। इस साइड पे हमने रबर बैंड देखो लगा ली है, और इस साइड की अब हम ब्रेड करेंगे। सो इस हेयर स्टाइल के लिए आपको रबर बैंड चाहिए कुछ इस तरह की छोटी छोटी, वो मैं कलरफुल लगाती थी, वो मेरी ख़त्म हो गई, मैंने ऑर्डर करी हुई है अमेजोन से। सो एक स्मॉल पार्टीशन करा है हमने यहाँ पर, उधर देखो पहले देखो ऐसे करा है, फिर अब ऐसे करेंगे। हाँ, मैंने वो देखो आप उधर, कुछ इस तरह से, और अच्छे से अब इसको कोम करके इसमें रबर बैंड लगा देंगे एक सिंगल। देखिए देखिए रबर बैंड लगा दी है, अब उसी के आगे से देखिए किस तरह से कोम करा है, फिर उधर से करा है, फिर एक और पार्टीशन लिया है छोटा सा, जैसे पहले वाले का लिया है उसी के बराबर में। एक बार मांग इसके यहाँ से ऐसे निकालनी है, फिर ऐसे निकालनी है, मतलब स्क्वायर बनाना है एक, ठीक है, फिर इसमें भी रबर बैंड लगानी है। सो इसी तरह से तीन चार कर लीजिए, एक और लगा लीजिए, एक और, फिर उसके बाद बताती हूँ आपको। दो पार्टीशन हो गए हैं, तीसरा हो रहा है अब। आप ट्राई कीजिएगा ये वाली रबर बैंड से करने का, मेरी सारी टूट गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, इसलिए ये वाली रबर बैंड यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इससे ही कीजिएगा। अगर नहीं है तो आप मंगा लीजिएगा, मैंने भी ऑर्डर कर लिए हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो इससे ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बिकॉज इन रबर बैंड्स के कलर बहुत अच्छे हैं, और इसमें एक शाइन भी है। तो ये देखिए, ये तीनों पार्टीशन कर लिए हैं, अब तीनों को पूरे बालों के साथ एक यहाँ पर ऐसे कोनी करेंगे साइड की, जैसे नॉर्मल सिंपल दो चोटी के लिए करते हैं। तीनों को ये देखो साथ में ले लिया है, और सिंगल रबर बैंड से इसको बांध देंगे। मेरे बच्चे, ये देखो रबर बैंड लगा दिया, ये देखिए ये रबर बैंड लग गई। अब यहाँ से एक ब्रेड करी जाएगी, नॉर्मल सिंपल जो होती है, ये तीन पार्टीशन लेके जो एक सिंपल ब्रेड करी जाती है वो करेंगे, थोड़ी लूज, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट मत करना, अदरवाइज जब आप इसको बन करोगे तो वो बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी रहेगी, तो थोड़ा सा लूज़ करना है आपने इसको। अब इस स्टेज पर अगर आपने पोनी करनी है तो आप यहाँ पे रबर बैंड लगा के छोड़ दीजिए, बट मैं पोनी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे बन ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ से अब आपने अपनी इसको चोटी को ये देखिए इस तरह से बांधना है ऐसे, और अब यहाँ पे लास्ट स्टेप है, अगेन रबर बैंड से इसको डबल करके रोक देना है। सो ये देखिए हमारा हेयर स्टाइल बिल्कुल अच्छे से रेडी है बनकर। अब इसी तरह से हम सेम दूसरी साइड भी कर लेंगे, वो सिंपल सा हेयर स्टाइल। और अब जब भी मैं कोई दूसरा करूँगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि 5 बजने वाले हैं, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है।
देखो मायरा रेडी हो गई और मैं भी, मैं कुछ रेडी हो सकता है वहाँ पर ना, हमें वन वन बना लूँ मैं, क्योंकि मैं भी लग जाऊंगी इसके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ। वैसे मैं इतने सारे लोगों कुछ नहीं, मैंने सब पूछ लिया है। नहीं ऊपर बड़ों का कैफे बना हुआ है, वहाँ बैठ जाना, तमन्ना मायरा खेलते रहेंगे। मैं तो अपना कैफे में बैठ जाऊंगी, मोमोज खाती रहूंगी। जब तक खेली खाती रहेगी, अरे मतलब खा लूंगी ना मैं अपना, मायरा खेलेगी। मैं क्या खाऊं? तुम कुछ मत खाया, तुम मेरी फोटोज वीडियोस बना देना खाते हो। मायला आप ना ज्यादा मैं बोलो, आप भी झूल लेना मायरा के साथ थोड़ा थोड़ा, उसके साथ झूल लेना आप भी थोड़ा थोड़ा। खाना है गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे हम एकदम से कहाँ जाते जाते कहाँ आ गए। एक्चुअली हम वहाँ गए थे प्ले एरिया, बट वहाँ पर एक्चुअली बर्थडे पार्टी चल रही है, तो उन्होंने बोला है आधे घंटे बाद आप लोग आ जाइएगा, बर्थडे पार्टी ख़त्म हो जाएगी। सो हम लोग जब तक यहाँ पे टॉसिन पिज्ज़ा में आ गए हैं। यहाँ मायरू दोबारा कर ले, आओ दोबारा करें, चलो दीदी रील बना लो। बच्चे ही हो, मैं तो बच्ची हूँ अभी भी। ब्लू 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 मारो ना, अरे आप पकड़ो मैं मारती हूँ। अबे हेलो हाय, आज
चलो 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 दिवरी अच्छे ये वेरी गुड ये मैं और दिव्यू बैठे हुए थे कैफे में, मैं पेरेंट्स के लिए कैफे है और अब टाइम हो गया है, लोग निकल रहे हैं, चलो मारा लेट्स गो। चलो तो एरिया से निकलेंगे, मायरा इतना थक गई सो गई और मतलब तमन्ना लेट हो गई थी तो उसको भी हमने बस छोड़ा है। तुम से आप लोग भी सोच रहे होगे हम वहाँ जाते जाते, मैंने शायद बताया भी था बट पता नहीं आवाज़ आ रही नहीं आ रही थी नहीं आ रही थी, हम टॉसिन पिज़्ज़ा पे इसलिए चले गए थे क्योंकि वहाँ एक बर्थडे पार्टी चल रही थी प्ले एरिया में, तो फिर उन्होंने बोला कि आधा घंटा आपको रुकना पड़ेगा और आप हमारी ऐप पे कुछ ऐसा बोला था ना ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे हम लोग बाल देते हैं अगर कोई पार्टी इवेंट चल रहा होता है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे हमें कुछ पता नहीं था, हमने बस ऐसे ही किसे पूछा और हम चले गए। बाकी मायरा ने बहुत इन्जॉय करा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, और दीपू को बस ये हो रहा था मैं ये कर लूँ मैं ये कर लूँ। अच्छा था, बहुत अच्छा था। इससे पहले भी मैं कालका जी के प्ले एरिया में लेके हुई हूँ, शायद ब्लॉग भी करा था बट वो कुछ भी नहीं था, 10% भी नहीं था इसका, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था।